हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गायनेकोमेस्टिया के बारे में। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है और गायनेकोमेस्टिया होने का क्या कारण होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पुरुषों के स्तनों का आकार नॉर्मल आकार से ज्यादा बढ़ जाता है, जो दिखने में महिलाओं के स्तनों के जैसे दिखाई पड़ते हैं। पूरी तरह तो नहीं होते लेकिन कहीं ना कहीं इनसे मिलते जुलते जरूर होते हैं। देखो क्या होता है, पुरुषों में जो उनके हॉर्मोन्स होते हैं उनके बिगड़ने कारण यानी कि उनके असंतुलित होने के कारण उनके शरीर में काफी तरह की समस्याएं बनने लगती हैं, जिनमें से एक होती है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया कब होता है, ये तब होता है जब आपकी बॉडी में आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। देखो क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी बॉडी होती है, पुरुषों की जो बॉडी होती है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण बहुत कम करती है और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका निर्माण ज्यादा करती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बिगड़ जाते हैं यानी कि असंतुलित हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण ज्यादा करने लगती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कम कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, पुरुषों के स्तनों का आकार ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो उनके स्तन होते हैं वो महिलाओं की तरह ही दिखाई पड़ते हैं और उनको काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो अपने यार दोस्तों में मजाक का पात्र बनते हैं और दिखने में भी वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं लगते और उनका साथ ही आत्मविश्वास भी बहुत कम हो जाता है। तो ये सभी समस्याएं बन जाती है जब किसी भी पुरुष में आपके जो गायनेकोमेस्टिया की समस्या बन जाती है। देखो गायनेकोमेस्टिया जो होती है कोई आपकी जानलेवा बीमारी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपके जो पर्सनल लाइफ होती है उस पर असर पड़ता है और इससे आपका आत्मविश्वास भी कम होता है और आप अपने यार दोस्तों में कहीं ना कहीं आपकी मजाक भी उड़ाई जाती है और आपके ऊपर कोई कपड़ा पहना भी अच्छा नहीं लगता, तो इससे आप काफी परेशान रहते हैं, आप जो मेंटली डिस्टर्ब इससे होते रहते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको गायनेकोमेस्टिया हो जाता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं, कि आप इसके शुरुआती दौर में आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्तनों का साइज नॉर्मल आकार से ज्यादा बढ़ रहा है, या आपको लगता है कि आपके स्तनों में कहीं ना कहीं आपको गांठ महसूस दे रही है या उसके आसपास कहीं सूजन लग रही है या आपको काफी लंबे टाइम से आपके स्तनों में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता रहता है, ये सब इसके लक्षण होते हैं। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो आपको तुरंत अपने किसी नजदीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और टाइम पर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि आप गायनेकोमेस्टिया समस्या से बच सके और आप इससे जल्दी छुटकारा पा सके। दोस्तों गायनेकोमेस्टिया जो होती है इसके और भी बहुत से कारण होते हैं होने के, लेकिन वो कुछ परसेंटेज में होते हैं, लेकिन जो मेन कारण होता है वो हॉर्मोन्स के असंतुलित होने के कारण ये समस्या बनती है, जिसमें आपके जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों इससे अलग भी और कुछ कारण होते हैं। देखो जो लोग ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं, ज्यादा एंटीबायोटिक ले लेते हैं, ज्यादा एंटी एलर्जी का यूज करते हैं, ज्यादा एस्ट्रॉइड का यूज करते हैं, तो उनको भी ये समस्या बन जाती है। कुछ लोग में क्या होता है, जो लोग ज्यादा धूम्रपान करते हैं, ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, ज्यादा गांजा का सेवन करते हैं, ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो उनको भी ये समस्या बन जाती है। कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि पेशेंट को कैंसर जैसी समस्या आ जाती है या गांठ जैसी समस्या बन जाती है, तो उसके कारण भी उनके स्तनों का आकार ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी कारण होते हैं कि आपके स्तनों का साइज ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी स्तनों का आकार ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे तक का आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाता हूं उसका अपडेट आपको मिलता रहे।